YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से लगातार अंसारी बंधुओं की चर्चा होती है, तो एक चर्चा अफजल अंसारी की होती है जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और गाजीपुर से सांसद भी हैं, और इस बार समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा भी जताया है। इस कड़ी में वो अपने तेवर जो हैं वो कम नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना भी साधते हैं। इस कड़ी में आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में 195 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन अभी तक गाजीपुर में किसी भी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। लेकिन जो भाई अफजल अंसारी हैं वो अपने तेवर कम भारतीय जनता पार्टी के प्रति करते नजर नहीं आ रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो सुर्खियां बना हुआ है। जी हाँ, बात करें तो समाजवादी पार्टी के गाजीपुर लोकसभा के प्रत्याशी अफजल अंसारी ने कहा है कि हम सबके सामने लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती है, मेरी कोई खता नहीं है, गरीबों के सम्मान रक्षा करना ही मेरा कसूर रहा है, इस बात की भाजपा सरकार की सजा दे रही है। भाजपा चाहे जितना जुल्म कर ले, गरीबों के सम्मान के बदले हर कुर्बानी देने को तैयार हूं, मरना कबूल है लेकिन झुकना कबूल नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के जंकीपुर विधानसभा के तत्वाधान में मंडी परिसर में आयोजित स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच बोल रहे थे। उन्होंने भाजपा के 400 पार के नारे को मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने की तरह बता दिया। भाजपा जमीनी हकीकत से पूरी तरह नावाकिफ है, उन्हें इस चुनाव में बेरोजगार नौजवानों और किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। वहीं बात करें तो विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, मनु अंचारी, पूर्व विधायक कुमार शंकर कुशवाहा, बजरंगी राम, सुभाष यादव, रीता विश्वकर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसमें सबसे पहले जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, सपा विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र यादव के साथ कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर अफजल अंसारी का स्वागत किया। बाकी जिस तरीके से अफजल अंसारी लगातार अपने कड़े तेवर दिखा रहे हैं उस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।